हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है दोस्तों हमारे इस चैनल में। दोस्तों, जैसा कि वीडियो के थंबनेल देख के आप जान चुके होंगे कि आज मैं आप लोग इस वीडियो में क्या बताने वाला हूं। जी हां फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग इस वीडियो में यह बताने वाला हूं कि अगर आप झारखंड से हैं, जी हां दोस्तों, अगर आप तो फ्रेंड्स आप अपना इनकम सर्टिफिकेट कैसे बनाएं। जी हां दोस्तों, अगर आप झारखंड से हैं और आप अपना इनकम सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं तो फ्रेंड्स वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। हम फ्रेंड्स वीडियो में सारा चीज़ बताएंगे ए टू जेड प्रक्रिया के कैसे आप इनकम सर्टिफिकेट बना सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स साथ ही साथ हम बात करेंगे कि आप झार सेवा का कियोस्क आईडी पासवर्ड कैसे ले सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, झार सेवा का कियोस्क आईडी पासवर्ड आप कैसे ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसी तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास में बेल आइकन मिलेगा उसे भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, हम अभी अपना यहाँ गूगल क्रोम ब्राउजर में आ गए हैं दोस्तों। यहाँ से सिंपली हम गूगल में झार सेवा को सर्च कर लेते हैं। जैसे ही फ्रेंड्स आप गूगल में झार सेवा सर्च कीजिएगा तो आप लोग के सामने कुछ नया इंटरफेस इस टाइप से खुल के आएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ देख सकते हैं दोस्तों। उसके बाद फ्रेंड्स आपको सिंपली यहाँ क्लिक करना है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स, अभी इसमें नया अपडेट करके जो झारखंड का लोगो था वो भी चेंज कर दिया। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ आप सारा चीज़ देख सकते हैं फ्रेंड्स, लोगो भी चेंज हो गया है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको थ्री डॉट पर क्लिक करके यहाँ से डेस्कटॉप साइड में कर लेना है। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, आपको डेस्कटॉप साइड में कर लेना है। तो दोस्तों कुछ नया इंटरफेस आप लोग के सामने कुछ नया इंटरफेस ऐसा आएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ लॉगिन करना है। तो फ्रेंड्स हम सबसे पहले आपको बता दें कि अगर आप झारखंड में किसी भी तरह का सर्टिफिकेट अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट या इनकम सर्टिफिकेट, तो फ्रेंड्स उसके लिए आपको झार सेवा का कियोस्क आईडी पासवर्ड लेना जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, जो झार सेवा का कियोस्क आईडी पासवर्ड होता है फ्रेंड्स, उसी से आप ये सारा सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें एक दोस्तों देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन सेल्फ, यानी कि फ्रेंड्स इसमें अगर रजिस्ट्रेशन रजिस्टर्ड योर सेल्फ, यानी कि दोस्तों अगर आप इसमें अपना आईडी पासवर्ड बनाइएगा तो फ्रेंड्स इसमें आपको अनलिमिटेड सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। इसमें फ्रेंड्स आपको दो या तीन सर्टिफिकेट मिलेगा, उसके बाद आपका आईडी काम करना बंद हो जाएगा। और फ्रेंड्स जो आपका झार सेवा का कियोस्क आईडी पासवर्ड रहेगा उसमें आप अनलिमिटेड सर्टिफिकेट बना सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, यानी कि आप जितना चाहे उतना सर्टिफिकेट बना सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स इसमें आपको बर्थ सर्टिफिकेट मिलेगा और डेथ सर्टिफिकेट भी मिलेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, कियोस्क आईडी में, लेकिन दोस्तों इसमें आपको सारा सर्विस नहीं मिलेगा। तो चलिए दोस्तों आप वीडियो में बने रहिएगा, हम सारा चीज़ बताएंगे कैसे आप झार सेवा का कियोस्क आईडी पासवर्ड ले सकते हैं और कैसे फ्रेंड जांच कर सकते हैं कि ये मेरा कियोस्क आईडी है या फ्रेंड सिटीजन आईडी है। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहां से अपना आईडी पासवर्ड को लॉगिन कर लेते हैं। जी हां दोस्तों, तो दोस्तों यहां आप देख सकते हैं हम यहां अपना आईडी पासवर्ड को फिल कर लेगा। दोस्तों जी आपको कैप्चा नजर आ रहा है, सिंपली आपको इसमें फिल कर लेना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको सिंपली यहाँ लॉगिन सेक्शन पर क्लिक करना है। तो चलिए फ्रेंड्स हम यहाँ से लॉगिन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, जो मेरा झार सेवा का कियोस्क आईडी पासवर्ड है वो सिंपली यहाँ लॉगिन हो गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ से मेरा नाम शो कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए फ्रेंड्स हम आपको बता दें कि कैसे आप जांच करें कि आपका आईडी पासवर्ड कियोस्क है या सिटीजन है। तो उसके लिए फ्रेंड्स आपको सिंपली यहाँ क्लिक करना होगा मैनेज प्रोफाइल सेक्शन पे। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, आपको यहाँ क्लिक करना होगा मैनेज प्रोफाइल सेक्शन पे। जैसे ही फ्रेंड्स आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो आप लोग के सामने कुछ नया इंटरफेस खुल के इस टाइप से आएगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ फ्रेंड्स आप देख सकते हैं व्यू प्रोफाइल कियोस्क, यानी कि दोस्तों अगर आपका ये सिटीजन आईडी रहता या रजिस्ट्रेशन सेल्फ आईडी रहता तो यहाँ फ्रेंड्स लिखा हुआ था व्यू प्रोफाइल सिटीजन। जी हाँ फ्रेंड्स, और दोस्तों यहाँ देख सकते हैं एडिट प्रोफाइल कियोस्क, यानी कि फ्रेंड्स ये जो मेरा है वो कियोस्क आईडी पासवर्ड है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं फ्रेंड कैसे आप जाँच कर सकते हैं कि जो आपका आईडी है वो कियोस्क आईडी है या सिटीजन आईडी है। तो चलिए फ्रेंड्स आप जान चुके होंगे कि कैसे आप जाँच कर सकते हैं। और फ्रेंड्स हम बात करते हैं कि कैसे आप इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई कीजिएगा। तो उसके लिए फ्रेंड्स आपको सिंपली यहाँ क्लिक करना होगा अप्लाई फॉर सर्विसेज वाले सेक्शन पे। जैसे ही फ्रेंड्स आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो आप लोग के सामने कुछ नया इंटरफेस खुल के इस टाइप से आएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको सिंपली यहाँ क्लिक करना है व्यू ऑल अवेलेबल वाले सर्विस पे। जैसे ही फ्रेंड्स आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो आप लोग के सामने कुछ नया इंटरफेस खुल के कुछ इस टाइप से आएगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, झारखंड में जितना टाइप का सर्टिफिकेट बनता है यहाँ फ्रेंड्स सबका आपको सबका नाम शो कर रहा है। तो फ्रेंड्स हमको इसमें इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई करना है, तो यहाँ से फ्रेंड्स सिंपली हम फर्स्ट पेज में नहीं है तो यहाँ से सेकंड पेज सेलेक्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों इसमें देख सकते हैं फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इसमें भी नहीं है फ्रेंड्स, यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स इसमें जो कियोस्क आईडी में दोस्तों आपका इशू ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, यहाँ के फ्रेंड यहाँ से बर्थ सर्टिफिकेट बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें भी इनकम सर्टिफिकेट नहीं है, तो सिंपली यहाँ से हम थर्ड पेज को सेलेक्ट कर लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स यहाँ से हम थ्री पेज वाले पे क्लिक करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, कॉलम खुल के आ जाएगा इशू ऑफ इनकम सर्टिफिकेट। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स, और दोस्तों यहाँ देखिए कास्ट डेट सारा सर्टिफिकेट आपको लुक रहा होगा फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स आपको सिंपली इसी पर क्लिक करना है। जैसे फ्रेंड्स आप इस पर क्लिक कीजिएगा
तो आप लोग के सामने कुछ नया इंटरफेस खुल के इस टाइप से आएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, तो फ्रेंड्स नया इंटरफेस आप लोग के सामने कुछ इस टाइप से खुल के आएगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको पूछा जाएगा अप्लीकेशन का टाइप, यानी कि दोस्तों आप नॉर्मल बनाना चाहते हैं फ्रेंड्स कि या तत्काल बनाना चाहते हैं। यानी कि फ्रेंड्स अगर आप नॉर्मल बनाइएगा तो 2 से 3 दिन में बन जाएगा, और फ्रेंड्स अगर आप तत्काल बनाइएगा तो आपका सेम डे में बन जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इसमें देखिए आपको तत्काल बनाएगा तो आपको रीजन देना होगा कि क्या चीज़ में आपको देना है। यानी कि फ्रेंड्स अगर आपको कहीं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका इनकम सर्टिफिकेट देना है तो फ्रेंड्स आप तत्काल अप्लाई कर सकते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ देखिए आपको फर्स्ट नाम डालना होगा, यहाँ मिडिल नाम, और दोस्तों यहाँ लास्ट नाम, यहाँ से फ्रेंड्स आप सोल्यूशन सेलेक्ट कर लीजिएगा, और दोस्तों यहाँ से जेंडर सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ फ्रेंड्स डेट ऑफ बर्थ, यहाँ फ्रेंड्स ऑटोमेटिक ईयर आ जाएगा, और दोस्तों यहाँ आप अपना मोबाइल नंबर फिल कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स यहाँ से आपको फ्रेश सर्टिफिकेट वाला सेक्शन पर क्लिक कर लेना होगा। चलिए फ्रेंड्स हम आगे बात करते हैं। अब उसके बाद फ्रेंड्स आपको इसमें कुछ फिल नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ फ्रेंड्स यहाँ देखिए दोस्तों रेड कलर का टिक लगा हुआ है, आपको स्टार वहीं पे दोस्तों फिल करना है। तो इसमें दोस्तों क्लिक करके देख सकते हैं फ्रेंड्स आप कहाँ से बनवाना चाहते हैं। यानी कि दोस्तों अगर आप CO से बनाना चाहते हैं सर्किल ऑफिसर तो आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। SDO से बनवाना चाहते होंगे सब डिविजनल ऑफिसर तो आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। अगर आप DC से बनवाना चाहते होंगे डिप्टी कमिश्नर तो आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, उसके बाद फ्रेंड्स आपको सिंपली ऐसे नीचे स्क्रॉल करके चले जाना है। तो यहाँ से फ्रेंड आप अपना फादर या मतलब पति का डिटेल्स डाल सकते हैं। यानी कि दोस्तों अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो फ्रेंड्स वो अपना हस्बैंड का डिटेल्स डालेगी, और दोस्तों अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो यहां से आप अपना फादर का डिटेल फिल कर लीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहां देख सकते हैं दोस्तों, यहां फ्रेंड्स आप अपना एड्रेस, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सब डिवीजन, पोस्ट ऑफिस और दोस्तों पुलिस स्टेशन चूज कर लीजिएगा फ्रेंड्स, या फिल कर दीजिएगा। और दोस्तों अगर आप रूरल यानी कि देहाती क्षेत्र में आते हैं तो यहां से रूरल या म्यूनसिपैलिटी आप जो भी आते होंगे यहां से सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहां देख सकते हैं दोस्तों आपको सिंपली यहां से पिन कोड सेलेक्ट कर लेना है। और दोस्तों अगर आपका देख सकते हैं फ्रेंड्स परमानेंट एड्रेस और दोस्तों प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम है दोस्तों, तो इस पर क्लिक करके आपको यहां से यस कर लेना होगा। जी हां फ्रेंड्स, और दोस्तों यहां देख सकते हैं फ्रेंड्स यहां से दोस्तों आपको इनकम डिटेल्स फिल करना होगा। जी हां दोस्तों, कि आपको किस टाइप से इनकम आता है, यानी कि दोस्तों एनुअल इनकम फार्मिंग से कितना आता है, या ओकेजन से कितना आता है, फ्रेंड बिजनेस से कितना आता है। जी हां फ्रेंड्स, सारा फिल कर लीजिएगा। इसमें फ्रेंड्स आपको यहां से नो सेलेक्ट कर लेना है। जी हां फ्रेंड्स, उसके बाद फ्रेंड्स इधर कुछ नहीं करना है। यहां सिंपली फ्रेंड्स यहां देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ फ्रेंड्स अगर आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, अगर आपका सिटीजन आईडी होता है जो खुद से बनाते होंगे तो फ्रेंड्स यहाँ ये ऑप्शन आपको नहीं आएगा। यानी कि एप्लीकेशन जो टोकन नंबर होता है, एप्लीकेशन रेफरेंस टोकन नंबर दोस्तों, वो इसमें शो नहीं करेगा। जी हाँ दोस्तों, ये ऑप्शन आपको नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स इसमें आप कुछ भी भर सकते हैं, 10, 20, 15, 50 जो आपको इच्छा करे भर दीजिएगा। और दोस्तों यहाँ आज का डेट सेलेक्ट कर लीजिएगा, इसमें फ्रेंड्स ऑटोमेटिक आपका ऑफिसर यानी कि जो कर्मचारी होगा उसका नाम शो कर देगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको सिंपली यहाँ से क्लिक करके दोस्तों ये नंबर को इसमें सिंपली फिर करके दोस्तों सिंपली यहाँ सबमिट वाले सेक्शन पर क्लिक करना है। जी हाँ दोस्तों, तो फ्रेंड्स आज हम आपको इस वीडियो में इतना ही तक बताएंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, अगला वीडियो में आपको बताएंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं कि अगर आपको झार सेवा का कियोस्क आईडी पासवर्ड लेना है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप झार सेवा का कियोस्क आईडी पासवर्ड लेना चाहते हैं, जी हाँ फ्रेंड्स, उसमें कास्ट सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि ऑल टू ऑल सर्टिफिकेट फ्रेंड्स आपको अनलिमिटेड मिलेगा। अगर दोस्तों आप ये सब लेना चाहते हैं, झार सेवा का कियोस्क आईडी लेना चाहते हैं तो कहाँ से ले। जी हाँ दोस्तों, तो फ्रेंड्स आपको स्क्रीन पर एक नंबर शो हो रहा होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको सिंपली उसी नंबर पर कॉल करना है, और दोस्तों कॉल करके आप सारा डिटेल्स ले सकते हैं, उसमें आपको क्या चार्ज देना होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट देना होगा, क्या इसका रिक्वायरमेंट है, सारा आपको बता दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर आप जानना चाहते हैं कि इसमें क्या क्या सर्टिफिकेट लगता है और कैसे अपलोड किया जाता है, तो फ्रेंड्स इसी वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, अगला वीडियो हम उसी टॉपिक पर बना देंगे। जी हाँ दोस्तों, यानी कि इसमें सारा एंट्री करके हम डॉक्यूमेंट अपलोड से ही शुरू करेंगे। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। जी हाँ दोस्तों, वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा फ्रेंड्स, और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और दोस्तों अगर आप झार सेवा का कियोस्क आईडी पासवर्ड लेना चाहते हैं, जी हाँ दोस्तों, अनलिमिटेड सर्टिफिकेट के साथ, तो फ्रेंड्स स्क्रीन पर आपको नंबर शो हो रहा होगा। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हैव ए नाइस डे, आपका दिन शुभ हो।